सारे इस वक्त आप देख रहे हैं डी हरियाणा आज बलौर गांव में मौजूद है भाई, और जबरदस्त इंटरव्यू होगा क्योंकि भाई सरपंची चुनाव थे और चुनाव में सभी कैंडिडेटों ने ताल ठोक रखी थी। और यह हमारे साथ गुड़िया बैठी है, सरपंच बनके जो है गांव की सेवा करनी चाहती थी, लेकिन इसका एक सपना भी था पहले, उसके बाद में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो इस तरफ जो है पूर्व सरपंच है, इनके पिताजी, उनसे नाम जान लें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों के राम राम कर दो। आपका और आपके चैनल का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका यहाँ। बिल्कुल, चलो हम गुड़िया से बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा इनके पिताजी से बात कर लेंगे। आप सरपंच रह चुके हो, तो मतलब गुड़िया को कैसे उसमें पंचायती चुनाव में उतारने का आपका निर्णय रहा? बस गुड़िया का भी कुछ मन था, कुछ मेरा मन था, भाई बच्चे आगे बढ़ें, कुछ राजनीति में भाग लें, इस वजह से गुड़िया को इलेक्शन। बिल्कुल भाई, मैं एक बात बताना चाहूँ, क्योंकि शिक्षित जो है पंचायत होनी चाहिए, और हमारा ये प्रयास भी था, और कहीं ना कहीं गुड़िया जो है सरपंच बन गई है इस गांव की, बलौर गांव की। तो बातचीत कर लेंगे किस तरह से जो है विकास होगा बलौर गांव का। एक छोटा सा गांव है, एक प्यारा सा गांव है, और बातचीत कर लेंगे। गुड़िया का नाम श्वेता है, और चुनाव चिन्ह इनका क्या था जी? चुनाव चिन्ह, अच्छा गिलास काफ़ी जीत हो गया भाई गिलास की एक, और बातचीत कर लेंगे श्वेता जी से। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। और मतलब सरपंची चुनाव लड़े आपने, तो किस तरह का विचार आया आपने कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, या पहले आप क्या सोचते थे, क्या करते थे आप? अभी मेरी स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी थी यहाँ पर, तो अभी मेरे को एग्ज़ाम देना था, अगर बाहर जाती तो। हमें सुना था कि आप बाहर जाने की तैयारी में। हाँ जी, एग्ज़ाम था मेरा नवंबर में। हाँ जी, बट फिर ये गर्ल्स में आई तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, गांव के विकास के लिए कुछ करूँगी। लेकिन आप छोटी सी उम्र के हो, आपने पता है कि गांव में क्या क्या विकास होने चाहिए, किस तरह से हमारा गांव आगे बढ़ेगा? हाँ जी, साफ़ सफाई, शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सफाई। सब सफाई मैं अकेली नहीं करवा सकती, इसमें पूरे गाँव का सहयोग होगा। ये सभी को समझना होगा कि सफाई करवाना अकेले एक इंसान के हाथ में नहीं है, सफाई सबको साथ में, कि हाँ साथ देंगे तभी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा पता भी लगा होगा चुनाव में सभी कैंडिडेट अपना जोर लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने डर भी था इस चीज़ का कि मैं क्या पता हार जाऊँ। डर तो होता ही है मन में, बट मेरे को विश्वास भी था कि हाँ गांव के लोग, जीत हार तो सबके साथ है, अगर मैं जीत जाती को तब भी अच्छा था, और ना भी जीती तब भी ये तो है कि हाँ मैंने ट्राई तो किया। बिल्कुल, अच्छा नहीं जीता मतलब जीतना तो था ही, आपके मन में कॉन्फिडेंस था इसके प्रति कि हाँ मैंने तो जीत के आना और गांव का विकास करना है, या कहीं ना कहीं पहले थोड़ा बहुत ये भी था कि भाई चलो देखी जाएगी जो होगा वो गाँव के ऊपर छोड़ देंगे, या फिर यही था कि हाँ नहीं मेरे को तो जीतना है? अपनी तरफ से तो सभी ट्राई करते हैं कि जीत ही जाए, बट हार जीत तो सबके साथ है, वो पहले डिसाइड तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, अभी चुनाव की डेट एकदम आई है, 8 तारीख को डेट आई थी चुनाव की। तो मतलब आप पहले पढ़ते थे, क्या सोचते थे कि हमें ये बनना है बड़े होकर के, और अभी मतलब सरपंच बन गए हो गाँव के, तो पहले क्या सोचते थे? ऐसा तो कुछ मतलब मेरा ड्रीम नहीं था, बट मेरा बाहर जाने का ड्रीम था कि मैं बाहर जाके स्टडी करूँ और फिर यहाँ आके कुछ बिग अचीव करूँ। बिल्कुल, तो अभी सरपंची चुनाव आपने लड़े हैं और बड़ी बढ़िया जीत हुई आपकी, तो अभी गांव के लिए क्या क्या मतलब सोचा है कि गांव में ये काम होना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षित उम्मीदवार हो, युवा उम्मीदवार हो, तो गांव के लिए कुछ सोचा आपने? हाँ जी, सबसे पहले तो स्टेडियम के बारे में भी सोच रही है, ये बच्चों को खेलने का, हमारे गाँव में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम की सबसे पहली प्राथमिकता इसकी रहेगी, भी स्टेडियम गाँव में बनवाया जाएगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं बोल रही थी जैसे स्पोर्ट्स होता है, लड़कियां दूसरे, हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है, अभी जैसे आसपास के बच्चे मेडल्स भी लेके आते हैं, अगर गांव में स्टेडियम होगा तो बच्चे और ज़्यादा भाग लेंगे खेल में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, लड़कियां अभी दूसरे गाँव में ना जाके अपने गाँव में स्टेडियम होगा तो अच्छे से खेलेंगी। ये हो जाएगा मतलब काम? ये फिर मतलब चुनाव से पहले मैं कई उम्मीदवारों से मिला हूँ, वे मतलब बड़े बड़े दावे करते हैं चुनाव से पहले कि हम ये काम करेंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आज भी कॉन्फिडेंस वही है कि अपने गांव के प्रति काम करवाना, या फिर ये चलो भाई बनेंगे सरपंच छोड़ दो हो गया काम? नहीं नहीं, स्टेडियम बनेगा, आप दोबारा आके देख लेना, दोबारा इंटरव्यू ले लेना जब स्टेडियम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं आता भी रहूँगा, और मतलब अभी जो सरपंच ही आप बन गए हो, सरपंच गाँव के प्रधान, आप मंत्री हो आप गाँव के, तो
पहले आप क्या सोचते, अभी क्या सोच रहे हो कि मेरे को तो विदेश जाना था और ये सरपंच बना के मेरे को यहाँ पे मतलब यहीं तक ही सीमित रख दिया, क्या सोच रहे हो आप? नहीं, अभी गांव के लिए भी तो कुछ करना है ना। अब मैं इस गांव में रही हूँ, मेरे पापा ने इतना कुछ किया है, अब मैं भी करूँगी अपने गांव के लिए कुछ। मतलब आप कोई कहीं ना कहीं इस चीज़ से निराश तो नहीं हो? नहीं भाई, मेरे को तो विदेश जाना था, स्टडी करनी थी वहाँ जा करके, अब मेरे को गाँव का काम करवाना पड़ेगा तो इस नहीं 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 निराश नहीं, निराश में तब होती ना अगर जबरदस्ती कराते तो। अच्छा अच्छा, ये आपका ही मतलब डिसीजन था? हाँ जी, मेरा मन था। तो भाई अभी श्वेता जो है बड़ी देखते हैं भाई, बड़ा भी कॉन्फिडेंस है इनका गांव के प्रति काम करवाने का। अच्छा, और कुछ लगता है कि गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो पता है शिक्षा के ऊपर कुछ लोग ये कहते थे कि भी हमारे गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, खेल के लिए स्टेडियम होना चाहिए, तो आपके भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में विचार होंगे? हाँ जी, सबसे मेन तो एजुकेशन ही है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स यही है जो अब यहाँ के बच्चे तभी बाहर जाएंगे जब यहाँ से वो मजबूत होके निकलेंगे, अपने गांव से निकलेंगे तभी वो बाहर जाके कुछ बोलेंगे। जैसे मैं हूँ, अभी पहले मैंने स्कूल तक यहीं पढ़ाई की थी, मैंने टेंथ तक गई हूँ मैं बापोली गांव में, फिर मैंने वहाँ स्टडी की, अब मैं उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया ओपन से, ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरा रेगुलर डिप्लोमा था और मैंने अप्रेंटिसशिप भी की है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में 1 ईयर की। हाँ जी, अभी जो गांव के स्कूल वगैरह सब ठीक होंगे? हाँ जी, स्कूल अभी छोटे ही हैं, यहाँ पे कितने तक है पापा? 8वीं तक है। अच्छा, कुछ करे भी है कि हाँ भाई स्कूल प्लस टू तक होना चाहिए, सोचे? नहीं, स्कूल का तो ऐसा है जी, हमने मांग तो पहले भी की है, अभी स्कूल हमारा कम से कम 10th का तो हो, बाकी अब और कोशिश करेंगे जमा के। तो भाई अभी स्कूल और एजुकेशन के ऊपर बहुत बढ़िया विचार है इनका, और गांव बढ़िया है मतलब साफ सुथरा, आपका गांव तो सही है जी, एकदम बढ़िया। हाँ, साफ है, पानी की निकासी बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ कोई गंदगी वगैरह तो है नहीं। हाँ, तो अभी देख सकते हैं श्वेता की छोटी सी उम्र में जो है भाई सरपंच बन गई है गाँव की, और कैसा लग रहा है मतलब आपको अभी? अच्छा तो फील होता ही है कि हाँ कुछ किया है, पापा ने साथ दिया, अगर घर वाले साथ हों फिर तो बंदा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कभी सोचा भी था कि हाँ भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी आएगी मेरे ऊपर? सोचा नहीं तो था। हाँ, लेकिन ये जिम्मेवारी आप मतलब ये तो नहीं कि ज़्यादा बड़ा बोझ हो गया मेरे सिर पर? नहीं, बोझ नहीं है, मेरे साथ मेरे बड़े हैं, समझाएंगे भी, साथ भी देंगे। तो भाई ये इनके पिताजी है, मैं नाम दोबारा फिर भूल गया, क्या नाम है जी? भूपेंद्र सिंह है, और भाई बड़ी अच्छी जीत हुई है, और मैं तो बढ़िया हूँ, खुश है भाई हम भी, क्योंकि छोटी सी गुड़िया को काम करने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि अभी चुनाव थे, सभी लगातार कैंडिडेट अब अपने पूरा दमखम लगा रहे थे कि भाई हम भी जीते वो करे, लेकिन गुड़िया की शिक्षा को देखते हुए। अच्छा, गांव वालों ने आपको क्यों चुना? गांव वालों ने यही कि गांव में कुछ करेगी, कि उन्होंने पहले पापा को भी देखा था ना कि हाँ काम कराया, अब तभी उन्होंने चुना होगा कि हाँ इसका पापा ने कराया तो ये भी जरूर कराएगी। ये भाई डबल काम होंगे है ना, अब डबल काम होंगे, बेटा जो है बेटा ही जो काम करेगा क्योंकि इनके पिताजी हैं, और ये तो खैर पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो अभी भाई श्वेता जो है गांव की प्रधान बन चुकी है, और देखते हैं किस तरह से काम होगा गांव का, और उनके पिताजी हैं हमारे साथ मौजूद थे। तो कैसा आपको इंटरव्यू लगा है? बहुत बड़ी बात है श्वेता जी ने जो एक ज़बरदस्त जीत यहां से हासिल की है इतनी कम उम्र में, तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर, तो अपनी कमेंट बॉक्स में, और सभ्य तरीके से जो है आप कमेंट करा करो, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना करा करो, अगर जो ये कमेंट कोई करता है तो उसके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।